एंगुलर में कंपोनेंट्स एक व्यू के हिस्से को कंट्रोल करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारा ऊपर का नेविगेशन बार। हम लोग इस डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट में भी जो एंगुलर 2 में लिखी हुई है, हमारे पास ऊपर ये नेविगेशन बार हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट है। हमारे पास एंगुलर की दी हुई एग्जाम्पल्स के अंदर भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं दो कंपोनेंट्स जो उन्होंने ऐप कंपोनेंट के अंदर मेंशन किए हैं। यहाँ पे एक हीरो लिस्ट और सेल्स टैक्स का कंपोनेंट है और ये उनकी फंक्शनैलिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं व्यू के अंदर। कंपोनेंट का तीन हिस्से होते हैं, एक उसकी कंपोनेंट क्लास होती है, एक उसकी टेम्पलेट होती है और तीसरी चीज़ उसकी मेटा डेटा होता है। जो कंपोनेंट की जो क्लास होती है उसमें एप्लीकेशन लॉजिक डाली जाती है। इसकी अच्छी एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं एक फॉर्म के बाद एक ऐड के बटन को क्लिक करता हूँ तो वो API कॉल को ट्रिगर करता है। हमारी API कॉल इटसेल्फ तो सर्विस में जाएगी, मगर जो कंपोनेंट क्लास होगी उसके अंदर वो इवेंट को लिसन करेगा और जब बटन पे क्लिक होगा तो वो सर्विस की API के ऐड मेथड को कॉल करेगा, और ऐसे ही जब वो एरर थ्रो करेगा तो उसकी एरर हैंडलिंग भी सारी उस कंपोनेंट क्लास के अंदर जाएगी। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल कंपोनेंट क्लास बनाई हुई है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सेलेक्ट हीरो का फंक्शन। जब सेलेक्ट का बटन क्लिक होता है टेम्पलेट के अंदर तो ये फंक्शन कॉल होता है और वो इस सिलेक्टेड हीरो की वैल्यू को अपडेट कर देता है। ये हम वापस एग्जांपल को देख रहे हैं और इसमें जब मैं किसी भी हीरो को क्लिक करता हूँ तो वो नीचे उसको उसकी डिटेल को शो कर देता है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर है लाइफ साइकिल हुक्स का। यहाँ पे हमें एक फंक्शन नज़र आ रहा है जिसका नाम है ng-onInit। ng-onInit इज़ अ लाइफ साइकिल हुक। तो जब हमारा एप्लीकेशन क्रिएट अपडेट या डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो हमें एंगुलर ने हुक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ng-onInit उनमें से एक हुक है और ये इनिशियलाइजेशन के वक्त ट्रिगर होता है। जब भी हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज हो जाता है तो फिर ये फंक्शन कॉल होता है। तो मुझे ये गारंटी होगी कि जब भी मैं इस फंक्शन में जो भी कोड लिखूंगा वो तब ही कॉल होगा जब मेरा कंपोनेंट इनिशियलाइज हो चुका है। कंपोनेंट का दूसरा हिस्सा जो होता है वो उसकी टेम्पलेट्स होती हैं। हर कंपोनेंट के साथ उसकी एक कंपेनियन टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक नॉर्मल HTML होती है और उसके साथ हम लोग कुछ एंगुलर के स्पेसिफिक सिंटेक्स डालते हैं उसके अंदर उसको एडिशनल फंक्शनैलिटी देने के लिए। हमारे सामने एक एग्जांपल टेम्पलेट हमें नज़र आ रही है और इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये नॉर्मल HTML है मगर विदाउट दी HTML बॉडी और हेड टैग्स। ये सिर्फ उस कंपोनेंट की HTML है। इस HTML के अंदर हमारे पास एक कुछ एंगुलर का कोड भी नज़र आ रहा है, जैसे ये ng4। ng4 एक स्पेशल डायरेक्टिव है जो हमारे कंपोनेंट्स में जो लिस्ट हैं उनके डेटा के ऊपर लूप कर सकते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल है हीरोज़ के नाम से, जिसके अंदर हीरोज़ की लिस्ट है और उसके अंदर हीरोज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके जिसके अंदर एक नेम की प्रॉपर्टी भी है। तो जब ये जो सिंटेक्स है इसे कहते हैं इंटरपोलेशन। जब मुझे कोई भी चीज़ रेंडर करनी हो, कोई भी स्ट्रिंग या नंबर या कोई ऑब्जेक्ट रेंडर करना हो, तो मैं इंटरपोलेशन इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, और इसको हम लोग डबल कर्ली ब्रेसेस से फ्रंट एंड बैक पे डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे हमें इवेंट बाइंडिंग नज़र आ रही है जिसमें जब मैं इस li के आइटम को क्लिक करूँगा तो ये हीरो का फंक्शन कॉल होगा। इसी तरह नीचे भी हीरो डिटेल के अंदर अगर हमने यहाँ पे एक ngif का डायरेक्टिव यूज़ किया हुआ है जो बिल्कुल इफ स्टेटमेंट की तरह काम करता है, वो अपने एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करता है। तो अगर सिलेक्टेड हीरो के अंदर कोई ट्रूथी वैल्यू होगी, ट्रूथी वैल्यू का मतलब है कि वो नॉन नल वैल्यू होगी तो, या वो ट्रू वैल्यू होगी अगर बूलियन है तो वो फिर इस कंपोनेंट को शो करेगा, वरना ये डॉम से रिमूव कर देगा। और उसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं विद अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग जो है हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिरी चीज़ टेम्पलेट्स के बारे में ये है कि हमारी जब एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप होता है तो वो ऐप कंपोनेंट से शुरू होता है। हम वो कंपोनेंट को ng मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करते हैं एज द बूटस्ट्रैप कंपोनेंट। वहां से वो कंपोनेंट्स को HTML के अंदर देखता है और उनको इनिशियलाइज करता है और फिर उनकी टेम्पलेट्स उनके अंदर देखता है और फिर उनको इनिशियलाइज करता है। इससे हमारी एक
ट्री क्रिएट हो जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि हम लोग खुद कंपोनेंट्स जो हैं वो टेम्पलेट्स में जब हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाली टेम्पलेट के अंदर हम लोग हीरो डिटेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जब भी ये हीरो डिटेल टेम्पलेट के अंदर आएगा तो वो खुद ही एंगुलर्स को इनिशलाइज कर देगा। ऑफ कोर्स अगर हम लोग डायनामिक कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम लोग यूजली खुद ही उनको इनिशलाइज करेंगे, मगर उसके अलावा एंगुलर खुद अपनी टेम्पलेट्स को मैनेज करता है। आखिरी चीज़ हमारे कंपोनेंट्स में है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मकसद होता है बताना कि इस क्लास को किस तरह प्रोसेस करना है। इसके लिए हम एक डेकोरेटर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कंपोनेंट डेकोरेटर कहते हैं। यहाँ पे उसकी एग्जांपल हमें नज़र आ रही है। कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसका सेलेक्टर। ये सेलेक्टर वो है जो हम लोग टेम्पलेट के अंदर इस्तेमाल करेंगे जिससे एंगुलर को पता चलेगा कि यहाँ पे इस कंपोनेंट को रेंडर करना है। उसके बाद हमारे पास है टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल जो है वो एचटीएमएल टेम्पलेट जो इस कंपोनेंट की है वो हमें यहाँ पे उसका पाथ देना होता है। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इन लाइन टेम्पलेट भी दे सकते हैं, और उसके बाद ये बाकी बहुत सारी ऑप्शनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनमें प्रोवाइडर्स एक है। यूजली हम अब प्रोवाइडर्स को एनजी मॉड्यूल में मेंशन करते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो डेकोरेटर है वो हमेशा क्लास के ऊपर आता है। हमारी यहाँ पे हीरो लिस्ट कंपोनेंट की क्लास है और इसके ऊपर ही हमने इस डेकोरेटर को डिफाइन किया है मेटा डेटा के साथ। ये एग्जाम्पल कोड है जो एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग टेम्पलेट यूआरएल की बजाय टेम्पलेट कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। इसके अंदर हम लोग सिंपली टेम्पलेट यूआरएल को टेम्पलेट से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम लोग ये टिक का कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं और इससे हम लोग फिर इसको मल्टीपल लाइंस पे स्ट्रिंग को लेके जा सकते हैं। क्योंकि हमने इसकी टेम्पलेट रिमूव कर दी है अभी, तो वहाँ से राइट साइड से हमारा कंपोनेंट चला गया है, तो अब हम लोग उस कंपोनेंट का कुछ हिस्सा वापस ले आते हैं और ये अब हमें नज़र आ रहा है राइट साइड पे। अब हमने जो H1 ऐड किया है उससे हीरो लिस्ट वापस आ गई है। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप ज़रूर हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हम फ्यूचर में नई वीडियोस डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो अपने दोस्तों में और अपने कॉलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।